चले, कल हमने स्टार्ट किया था काइनेटिक्स में। हमने देखा कि सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सूडो 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 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम ये समझे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी नेवर भी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती रिएक्शन की। क्यों? कि रिएक्टिंग स्पीसीज के मॉलिक्यूल जब इन्वॉल्व होंगे तभी रिएक्शन स्टार्ट होगी, अदरवाइज रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। और अलग अलग टाइप से एग्जांपल समझे, तो यहां पर सूडो ऑर्डर में हमने एक एग्जांपल समझा। सूडो ऑर्डर में फिर दो टाइप की होती है, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर, सूडो बाई मॉलिक्यूलर। तो देखते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर में क्या होगा। कल हमने एग्जाम्पल लिखा था CH3COO2H5 इथाइल एसिटेट, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH3COOH+C2H5OH, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इथाइल एसिटेट सपोज 1 मोल है तो वाटर इसमें एक्सेस अमाउंट में होगा। वाटर किसमें होगा? यहाँ एक्सेस अमाउंट में होगा। तो एक्सेस अमाउंट में जो मटेरियल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड मीन्स उसको इफेक्ट नहीं करता। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करें? रिएक्शन में इस तरह लिखेंगे R=K एसीटेट CH3COOH5, और यहाँ सिंगल पावर रहेगी बट H2O की पावर यहाँ क्या बन जाएगी? जीरो। मीन्स इसके कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड नहीं रहता। R=K क्या होगा? K CH3COO2H5। तो ये कौन से ऑर्डर की हो गई? ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। लगती कैसी है? कि सेकंड ऑर्डर की होगी, वाटर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो यहां पर इस टाइप की जो रिएक्शंस है वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन के नाम से फेमस होती है। दिखती सेकंड ऑर्डर की होती फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा इसमें एग्जांपल है, एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में आप यहां लिखता मैं, दूसरा एग्जांपल है इसका शुगर का फॉर्मेशन, ये C12H22O11+H2। सुक्रोज को वाटर से रिएक्ट किया तो यहां पर फॉर्मेशन होगा C6H12O6+C6H12O6। एक का नाम ग्लूकोज है और दूसरे का नाम फ्रक्टोज। ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में वाटर का अमाउंट एक्सेस है तो ये रिएक्शन के रेट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो R=K, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड है? C12H22O11। तो ये भी इसी का एग्जांपल है, ये भी सूडो ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये थर्ड एग्जाम्पल। एसी कौन को ले? CH3COOCH3, और इसको इथाइल अल्कोहल को एक्सेस अमाउंट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ फॉर्मेशन क्या होगा? CH3COOC2H5 ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। और वाइट यहाँ पर एसीटोन है, एसीटोन को इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट किया तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन। लेकिन इथाइल अल्कोहल यहाँ कैसा है? एक्सेसिव अमाउंट,
तो इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहेगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू के सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। बस सिंगल ऑर्डर की रिएक्शन है, लगती डबल ऑर्डर की। इसमें आप नोट करिए और फिर पहले डिटेल लिखिए, सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। आगे बढ़ते हैं भाई, अब यूनिट पता करें ऐसी रिएक्शंस में, इस टाइप की रिएक्शंस सूडो फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन में हम यूनिट कैसे पता करें। ये रिएक्शन है, अब यहां यूनिट का जो कंसेप्ट है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहां रेट कांस्टेंट रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन इसमें मटेरियल कितना इन्वॉल्व है, मटेरियल तो ईस्टर भी है वाटर भी है, तो वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड चाहे ना हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो टू है ना, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे पता करें है? देखते हैं। फर्स्ट आर इक्वल टू के सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। यहां सामने लिखेंगे इक्वेशन नंबर एक और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे सूडो ऑर्डर के लिए, तो आर इक्वल टू यहां लिखेंगे के डेस, के प्लेस पे के डेस आए मतलब बदला हुआ है। अब सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव, सूडो ऑर्डर में तो वाटर को भी लेना पड़ेगा कंसंट्रेशन ये सेकंड, ये किसके लिए है रिएक्शन, फॉर एस यू डी ओ सूडो ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर वन और टू को मैच करिए, इक्वेशन नंबर वन और टू को जब आप मैच करोगे तो ऐसा फार्मूला बनेगा के डेस, ये के डेस यहां लिया तो के इन ब्रैकेट सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव, ये किसके लिए आ गया, फर्स्ट ऑर्डर वाला, ये यहां आ जाएगा और अपॉन में कौन आ जाएगा, वाटर। ऐसा रिएक्शन बन जाएगा फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का। ये आंसर कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें यूनिट पुट अप करें हम, तो ये कौन सा फार्मूला है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पेज पलट के जब आप देखोगे अपनी फैन नोट बुक में, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट के डैश पता कर रहे हैं हम, ऐसी रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट पता कर रहे हैं जो सूडो ऑर्डर की होती है, दिखती दो की है होती एक की है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये हमने यहां से यहां पुट अप किया ना फर्स्ट इक्वेशन, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स अपॉन, मैंने इसके प्लेस पे ये रखा वाटर का, वाटर का तो कंसंट्रेशन लेना, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, तो के डेज की यूनिट आ जाएगी। देखो क्या आएगी, के डेज सूडो ऑर्डर यूनि मॉलिक्यूलर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये, इसको अरेंज कर लो, कहां जाएगा लीटर, ऊपर, ये ऊपर आ गया, मोल इनवर्स भाई सेकंड का क्या होगा, सेकंड वैसे ही लिख लो जैसा लिखा है, मोल इंटू सेकंड, नोट करिए, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है जिसमें आपको क्या कैलकुलेशन करना था, सूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट जो कैलकुलेट,
हम बात करेंगे भाई माता जी राम शूडो बाय मॉलिक्यूलर। शूडो बाय मॉलिक्यूलर मतलब जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी थ्री है। ध्यान लिख देता मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू थ्री बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू टू, तो इसको बोलते हैं शूडो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें एग्जांपल क्या है, सेफोनिफिकेशन ऑफ ईस्टर, कौन सी रिएक्शन लें, सेफोनिफिकेशन। अब सेफोनिफिकेशन में क्या होता है पता है, 9th-10th में आप स्टडी कर चुके हैं, उसमें हायर फैटी क्या होते हैं, हायर फैटी ईस्टर ऑफ एसिड मतलब ईस्टर होता है, तो एक ईस्टर बना लेते हैं CH3COOC2H5, यही तो एस्टर है, ठीक है। हमने यहां पर हायर फैटी एस्टर को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं बेसिक मीडियम में तो सेफोनिफिकेशन रिएक्शन होती है, तो यहां पर क्या करें CH3COOC2H5 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेफोनिफिकेशन के रिएक्शन में एक तो ईस्टर होता है उसको कास्टिक सोडा के साथ मिक्स करते हैं और कुछ अमाउंट में उसमें NaCl भी मिलाते हैं Na के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, कुछ अमाउंट वाटर मिक्स करते हैं, इस तरह रिएक्शन होती है सेफोनिफिकेशन की। इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, प्लस अल्कोहल ग्लिसराल का फॉर्मेशन होता है, हमने अल्कोहल लिख लिया क्योंकि अल्कोहल भी ग्लिसराल की तरह है, ठीक है, ये रिएक्शन। अब यहां सोप का फार्मूला क्या है, सोप का फार्मूला ईस्टर का सोडियम साल्ट है, तो अब यहां पर जो हमने ईस्टर लिया उसी का सोडियम साल्ट बना लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3COOM और यहां कार्बन के नंबर हायर होते हैं, ऐसा है इसमें हायर फैटी एसिड का ईस्टर होता है, हमने सिंपल ईस्टर लेकर रिएक्शन को समझाने की आपको कोशिश की। पहला रिएक्टेंट ईस्टर, दूसरा रिएक्टेंट NaOH, तीसरा रिएक्टेंट कौन है, वाटर NaCl, तो आयनिक प्रोडक्ट के लिए उसमें मिक्स करते हैं। अब देखो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कितने मॉलिक्यूल रिएक्टिंग स्पीशीज के इन्वॉल्व है, 1, 2, 3, तो मॉलिक्यूलरिटी तो 3 है लेकिन ये सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका सेकंड होगा, मतलब यहां भी कंसेप्ट क्या है, वाटर का जो एक्सेस अमाउंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो R इक्वल टू के, हम पहले इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि इसमें भी यूनिट पता करना है लास्ट में, तो पहले इक्वेशन लिखे R इक्वल टू के, कौन होगा इसमें CH3COC2H5 एंड NaOH, और NaOH को आप कैसे लिख सकते हो, OH माइनस भी लिख सकते हो, इस NaOH के बजाय OH माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, NaOH लिख लिया। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा R इक्वल टू के डेज, R इक्वल टू केडेज, केडेज में क्या आएगा, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर में हम जब ये लेते हैं तो ये एक्चुअल पोजीशन R इक्वल टू के CH3COOC2H5 NaOH, मींस इसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड है, इसके भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, तभी तो ये सेकंड ऑर्डर की है, लेकिन वाटर का अमाउंट एक्सेस है इस रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता, तो हम उसको इसमें से हटा देते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, थ्री। तो अब मॉलिक्यूलरिटी वाला फार्मूला लिखेंगे, R इक्वल टू के डैश CH3COOC2H5, यहां क्या ले लें NaOH कंसंट्रेशन, और किसको लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ
इक्वेशन नंबर टू। तो यहां पर आप इसका रेशो निकालना पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड से, तो क्या बन जाएगा के डेज, यूनिट पता कर रहे हैं हम, सूडो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी आप के डेज इक्वल टू, यहां क्या लिखे हैं? ये सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव एन ओ एच, ये के अपॉन कौन आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एच टू। तो ये किसकी यूनिट है? ये तो सेकंड ऑर्डर की यूनिट लिखना पड़ेगी आप, और सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या है? लीटर मोल इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, शायद आपने लिखा है पहले, आपके पास लिखा है, और इसका अपॉन में कंसंट्रेशन लिख लो मोल पर लीटर, और बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ यूनिट देख लेना, ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या मिल जाएगा फार्मूला, उसको कैंसल करके लिखना, ठीक है, बना लोगे आप। ये लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू मोल को बनाना क्या बनेगा मोल, और सेकंड तो इनवर्स ही रहेगा। आपको इसका देखना है कि मोल का क्या लिखिए भाई, नोट करिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है के, इसमें हम पता करते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में पता करेंगे। लेकिन रिएक्शन कुछ अजीबोगरीब टाइप की है, अलग टाइप की रिएक्शन है। तो हेडिंग पहले लिखिए टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और मटेरियल कैसे हैं गैस फेस। हेडिंग लिखिए टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को पता क्या करना है, के पता करना है, लेकिन मटेरियल गैस फेस में। तो यहां रिएक्शन को हम कंसीडर करेंगे, यहां से लेते हैं ए और ऐसे क्या बनाया उसने बी और सी, ये गैस फेस में है, बी गैस फेस में और सी भी गैस फेस में, ये दो प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। और गैस फेस होगी तो यहां पर प्रेशर की बात होगी, किसकी बात होगी प्रेशर की। तो प्रेशर में हम इसके प्रेशर को एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल प्रेशर क्या ले लें पी जीरो, और इन दोनों का इनिशियल प्रेशर क्या होगा जीरो जीरो, रिएक्शन अभी स्टार्ट का हो। अब एट टी इक्वल टू टी, टी टाइम पर मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये डिक्रीज होगा, इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, और इधर प्रेशर मतलब ये फॉर्मेशन होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में होता था। तो इसको क्या मान ले हम, आफ्टर टी टाइम प्रेशर, ये टी जीरो मतलब इनिशियल प्रेशर है पी जीरो, इसका जीरो होगा इसको जीरो होगा, रिएक्शन आपने स्टार्ट की, अब इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट आएगा। आफ्टर टी टाइम पी जीरो माइनस एक्स, इसका प्रेशर एक्स से डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, ये एक्स। तो पहले टोटल प्रेशर पता करना, टोटल प्रेशर क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर को पीटी, टोटल प्रेशर क्या है सिस्टम का पीटी, पीटी पता है, P
पी जीरो माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो पी टी कितना आ गया बोलो? ये माइनस प्लस कैंसल, पी जीरो माइनस एक प्लस गया तो एक्स। देखिए आंसर सही है, इसमें ये माइनस का साइन वो गया, तो आंसर आना चाहिए पी टी इक्वल टू पी जीरो प्लस एक्स, सही है। अब इसमें आप पता करिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी टी माइनस पी जीरो, डिसोसिएशन जो है एक्स पी टी माइनस पी जीरो के इक्वल आ गया। इसको अपन जरा अंडरलाइन कर लें। देखिए भाई फिर से समझिए सर, हम किसी टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसके रिएक्टिंग और प्रोडक्ट सभी दिए स्पेस में है, उसके लिए हम रेट कांस्टेंट की यूनिट पता कर रहे हैं या रेट कांस्टेंट का फार्मूला, के का फार्मूला पता कर रहे हैं। तो इनिशियली प्रेशर पी जीरो, इनका इनिशियली प्रेशर तो जीरो हो गया प्रोडक्ट, अब यहां से पी जीरो माइनस एक्स हुआ, एक्स हुआ, एक्स हुआ, ये सारी कहानी केमिकल इक्विलिब्रियम के पैटर्न पर है। पीटी आप पता करोगे, ये टोटल प्रेशर आ गया सिस्टम का पीटी पी जीरो प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू पीटी माइनस पी जीरो। यहां तक हम समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि यहां पर पी ए पी बी और पी सी तीन के प्रेशर पता होना चाहिए, तो पहले पता करें। अच्छा दूसरी चीज पीटी होता क्या है? अरे पीटी मतलब टोटल प्रेशर, और ये किसका सम होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ऐसे होगा। अब इसमें फार्मूला निकालते हैं, तो पहले आपको पता क्या करना पड़ेगा, पहले पता करिए पी ए, तो पी ए इक्वल टू क्या होगा? देखो भाई पी ए की वैल्यू तो ये पी जीरो माइनस एक्स, तो पी जीरो माइनस एक्स, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी जीरो माइनस एक्स की वैल्यू रखो पी टी माइनस पी जीरो, ये लिख लिया। इसके बाद लास्ट में बचा है, इसका आंसर आ जाएगा, यहां लिख देता पी ए, पी ए इक्वल टू टू पी जीरो माइनस पी टी, ये आंसर आ गया पी ए का। ये रिएक्टेंट है, इसका प्रेशर आ गया टू पी जीरो माइनस पी टी। अब बात करेंगे, यहां पर एक फार्मूला लिखूंगा मैं, आपको पता है सबको, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log log, पहले फार्मूला लिख देता फिर समझाता, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, पढ़ा हुआ है आपने रेडियो केमिस्ट्री में पढ़ा है, और रेडियो केमिस्ट्री में ना पढ़ा हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपने पढ़ा, कहीं ना कहीं ये दो जगह आपने फार्मूला पढ़ा है। रेडियो केमिस्ट्री में पढ़ा है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, लॉग की वैल्यू लेते थे 2.303 अपॉन टी, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे। चलिए इसी में वैल्यू पुट अप करिए, k आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग p0 क्या है? P0, तो P0 होगा तो P0 रख दीजिए, आपको PT की वैल्यू चाहिए तो PT की वैल्यू किधर है भाई, कहां गड़बड़ हो गई? PT की वैल्यू 2P0 माइनस PT, यहां पर P0 है, ये थोड़ा सा करेक्शन करिए, यहां PA, तो ये फार्मूला आ गया। अब आप बोलोगे आपने यहाँ पीटी के प्लेस पे पीए क्यों करा, तो पीए ही लिखेंगे क्योंकि पी जीरो क्या है, रेडियो केमिस्ट्री में आपने स्टडी की थी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पी जीरो अपॉन पी ए, और पी ए की वैल्यू ये यहां से ला करके रखते हैं। तो ये फार्मूला है जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि एक बार फिर से समझिए, गैस फेस में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, के उसका कांस्टेंट था वो आपको पता करना है, ये रिएक्शन थी पी जीरो इनिशियल, ये जीरो जीरो, ये पी जीरो माइनस एक्स होगा, ये एक्स एक्स, उससे हमने पता करा एक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में कई बार हमेशा कर चुके हैं, पी टी माइनस पी जीरो। अब पी टी क्या होगा डाल्टन के पार्शियल प्रेशर से, तो पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है जितने भी मटेरियल उसमें बैठे हैं उससे पी टी आता है। तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए पी बी पी सी। अब ये हम पी ए पता करेंगे तो पी ए की वैल्यू क्या है, पी जीरो माइनस एक्स, ये यहाँ पर पी जीरो तो वैसे ही होगा, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की वो पुट अप कर देंगे तो पी आ जाएगा टू जीरो पी माइनस पी। अब के फार्मूले में क्या होता है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो फाइनल प्रेशर क्या है पी ए, और पी जीरो इनिशियल प्रेशर, दोनों की वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया, नोट करिए उसको। फिर आगे कोई दूसरी बात करते हैं, फार्मूले हैं भाई ये थोड़े से, इनको ध्यान से आपको सॉल्व करना और समझना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन का कंसेप्ट समझ में आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें डाटा गिवन होते हैं, और गिवन डाटा के बेस पे हम ये आइडिया लगाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड है या नहीं। अगर वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, डिपेंड ना होगा तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगा। एक न्यूमेरिकल लिखता मैं, इस तरह रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी, ये रिएक्शन आप भी लिखते चलिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसका एक्सपेरिमेंट किया है अभी, ए प्लस बी इक्वल टू सी का, तो यहां पर ये कंसंट्रेशन किसका है, ए का, 0.25 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की यूनिट लिख लेना है। बी का कंसंट्रेशन भी कितना है, 0.25 मोल पर लीटर, उसी के नीचे लिखा। अब यहां मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन एग्जाम में आर लिखा रहेगा और उसकी यूनिट से पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहां पर थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि इसी के सामने आना, यहां क्या है ये रेट ऑफ रिएक्शन, चलिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 3.0 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट, चलिए एक डाटा खत्म हुए। अब एक्सपेरिमेंटल में क्या हुआ, ए का कंसंट्रेशन सेकंड टाइम 0.5 हो गया, ये कितना हो गया 0.25, और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 6.0 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। थर्ड टाइम क्या हुआ, ए का कंसंट्रेशन 0.5 है बट बी का कंसंट्रेशन 0.50 हुआ, तो यहाँ पर 1.2 × 10⁻²² मोल पर लीटर रेट हो गया। पहले गिवन डाटा को नोट करिए, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होगी देखिए, डाटा नोट करें उसके बाद फिर यहां पर रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन का एक फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है इन गिवन डाटा से, तो कैसे पता करते हैं डिटेल, अगर बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो डिटेल यूज करना पड़ेगा, डिटेल आपको लिख करके बताना पड़ेगा कैसे होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो कभी कभी देख के भी अंदाज लग जाता है कि इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा। कैसे पता लगता है, देखिए आर इक्वल टू के, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, सी का कोई लेना देना नहीं, ए की पावर क्या ले लें हम एन, और बी की पावर क्या ले लें, चलिए इसको x मान लें, इसकी पावर को y कंसीडर कर लें,
बस ये एक्स और प्लस वाई तो पता करना है। तो कैसे पता करते हैं? अब इसमें इक्वेशन बनाइए। पहली पहली इक्वेशन बनेगी आर वन यहां से, तो आर वन इक्वल टू क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए तो पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। अब सबकी वैल्यू पुट अप करेंगे आर वन में। आर वन क्या है, 3.0 × 10⁻³। ये के जिके लिख दीजिए, के का कोई काम नहीं। अब यहां पर ये डाटा पुट अप करेंगे, यहां क्या हो जाएगा 0.25 की पावर एक्स एंड 0.25 की पावर वाई। हाथ पैर चलाते चलिए, आप लोग भी नोट करते चलिए किस तरह इक्वेशन को बनाएंगे। ये वाली इक्वेशन में मैंने ये वैल्यू पुट अप करी, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन जो उसके रेट ऑफ रिएक्शन के सामने लिखा है। ये इक्वेशन बनी फर्स्ट। अब सेकंड रिएक्शन बनाएंगे आर टू। आर टू इधर बनाते हैं, आर टू इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। आप नोट करते चलिए क्योंकि बोर्ड पर से ये चीजें हटाना पड़ सकती है। ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन, ये हो गया। अब सेकंड रिएक्शन बनाते हैं, तो सेकंड रिएक्शन में आर टू क्या है, 6.0 × 10⁻³ इक्वल टू ए का कंसंट्रेशन क्या है सेकंड टाइम, ये 0.50 की पावर एक्स एंड 0.25 की पावर वाई। चलिए भाई आप आर थ्री बना ले, पहले इक्वेशन तीनों बना ले फिर इधर यहां कहीं लिख लेंगे उसका सोल्यूशन। आर थ्री इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। वैल्यू पुट अप करें, आर थ्री क्या है, 1.2 × 10⁻², इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये देखो कितना है थर्ड में 0.5 की पावर एक्स, और इधर कितना है बी में 0.5 की पावर वाई। नोट करिए अब, नोट कर लिया, नोट करिए भाई। नोट करिए भाई, जब आप नोट कर लें तो फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ बोर्ड पर जगह करना पड़ेगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड, ये तीनों इक्वेशन को कंसंट्रेट करना, इसलिए मिटा देता, यहां से आंसर अपने को मिल जाएगा, ये आपके पास डाटा नोट है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का रेशो लेते हैं, इसी से पता चलेगा। सेकंड ये 6.0 × 10⁻³ अपॉन फर्स्ट का रेशो क्या है, 3.0 × 10⁻³। कैसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि के तो कॉन्स्टेंट है, ना कोई लिखने की जरूरत, आप चाहो लिखते रहिए। अब इसकी वैल्यू लिखिए, ये कितना है सेकंड में, 0.50 की पावर क्या लिया हमने एक्स, और यहां पर क्या है 0.25 की पावर वाई। अपन में क्या लिखे, अपन में ये लिखे, तो ये है 0.25 की पावर एक्स एंड 0.25 की पावर वाई। समझ में आ गया होगा, सॉल्व करना है
ये गया, यहाँ y के रेस्पेक्ट में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन जिसका चेंज होता है, जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है उसी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, इसलिए वो कैंसल, इसको कैंसल कर लो, इसको कैंसल कर लो, ये कितना आ गया 2 और ये भी 2 की पावर x, तो इक्वल टू 1, मतलब x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1 है। चलिए भाई, लिखा सबने, अगली रिएक्शन बनाइए। अगली रिएक्शन में क्या बनेगा, y के रेस्पेक्ट में पता करना है, तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में पता करते हैं। अब ये देखो उसमें स्टेप में y के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन कहाँ चेंज हुआ, y के रेस्पेक्ट में सेकंड और थर्ड में चेंज हुआ, तो थर्ड को डिवाइड कर दो सेकंड से, ये थर्ड 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 इक्वल टू 0.5 की पावर एक्स एंड 0.5 की पावर वाई। अब एक्स कट जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। ये देखो यहाँ अपन में क्या आ जाएगा, 6.0 10 पावर माइनस 3, तो ये तो कैंसल होकर 2 आ गया। अब यहाँ भी कुछ 2 बन जाएगा, देखो कहाँ गया 0.50 की पावर एक्स, ये गया एक्स, और यहाँ 0.25 की पावर वाई, तो ये आ जाएगा 2 की पावर वाई, तो वाई इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। नोट करिए भाई, इस तरह अगर आप रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गिवन डाटा से। चलिए भाई, नोट कर लिया होगा। अब एक न्यूमेरिकल दूसरा आप लिखिए और खुद सॉल्व करके आंसर बताइए मेरे को, मैं बोर्ड पर उस क्वेश्चन को नोट करता हूँ। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2HI gives H2 plus I2, ऐसे रिएक्शन है, HI का कंसंट्रेशन गिवन है और यहां पर दिया है डीकंपोजिशन रेट, क्या दिया उसने डीकंपोजिशन रेट, HI पहले 0.1 था, फिर 0.2 हुआ, फिर 0.3 हो गया, टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज हुआ, रेट क्या बना, पहले टाइम था 2.75 इंटू 10 पावर माइनस 8, बाद में सेकंड टाइम क्या बना 11 इंटू 10 पावर माइनस 8 मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट है, और ये कितना आ गया 24.75 इंटू 10 पावर माइनस
एक मोल पर लीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद, क्या आंसर आता है बताइए। जब आंसर आ जाए तो मेरे को बताइए।